गुड़िया के बाल वाला। आ सादिक, वो देखो, तुम्हें ये बेहतर लग रही है क्या? मेरी जान, घबराओ नहीं, मैं यहीं पर हूँ। काफी सेहतमंद लग रही है मुझे तो ये। आसमा साहिबा, हमें आमिर के साथ इसकी कुश्ती नहीं लड़वानी, कोई बेहतर लड़की देख लें। सादिक वो बात करेगा, उसे जानेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम लोग खूबसूरती को ही क्यों तरजीह देते हो, क्या पता वो दिल की अच्छी हो। कम से कम आमिर के साथ वो अच्छी तो लगे, ऐसा भी ना हो कि वो देखे और उसे देख के बेहोश ही हो जाए। अमीरों को तो लाजमी तौर पर पसंद आएगा, क्योंकि तुम भी कोई इतने हसीनो जमील नहीं हो, समझे? यिल्दिज़ू, इधर आओ। अल्लाह अल्लाह, आसमा साहब, समझने की कोशिश कीजिए। आज ही लाजमी नहीं है, हम ये सब बाद में भी देख सकते हैं। मेरा मतलब कम से कम खुश इखलाक हो, बातचीत करने में अच्छी हो और मोहब्बत करने वाली हो, बाकी लड़कियों की तरह पैसों की लालची ना हो। मैं इतना चाहता हूँ कि आमिर उसके साथ खुश रहे। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो सादिक? आमिर की बात हो रही है। औरत है वो? जाहिर है, मैं आमिर के लिए लड़की की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसी कोई औरत है सादिक? क्यों छोड़े वो? तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे मर्दों के लिए। तुम पहले ऐसी औरत को पसंद करते हो और बाद में उसी को धोखा देते हो। अरे आसमा साहिबा, मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है? गुस्सा नहीं कर रही, उसको जाकर देखो। चलो जरा और जगह भी देख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, यिल्दिज़ू भाई के पास चलते हैं। ये देखो, ये रहे आपके भाई, देखो कैसे झूला झूल रहे हैं। क्या कर रही हो ये? आसमा साहिबा, देख लिया मैंने, देख लिया। कोई बात नहीं, अगर बच्चे की माँ है तो। मैं मालूम करती हूँ जाके। हेलो, माशाल्लाह, नजर ना लगी। क्या आपका बेटा है? नहीं, मैं आया हूँ इसकी। ओ अच्छा, वाकई में? मैं तो एक नानी हूँ और वो मेरे नवासे वहाँ खेल रहे हैं। वो देखो यिल्दिज़ू, नानी आमिर अंकल के लिए दुल्हन ढूंढ रही है। देखो देखो। अच्छा वैसे मैंने आपको यहाँ पहले देखा है, क्या अपने शौहर के साथ अब यहाँ पर आती रहती है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छी बात है जी, शायद मुझसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। अच्छा वैसे मेरा नाम आसमा है। मेरा नाम सिंबल है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। आप अपनी वॉक जारी रखिए। जी जी।